नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। हरदोई की कोतवाली कछौना क्षेत्र के हरदोई लखनऊ मार्ग पर एक डीसीएम अनियंत्रित होकर डबल नहर पुल के पास बनी खाई में पलट गई। हादसे में डीसीएम में सवार एक व्यक्ति व तीन भैंसों की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बरेली के थाना देव रनिया क्षेत्र के गाँव मुड़िया जागीर निवासी हनीम पुत्र हाजी लाइक अपने भतीजों के साथ डीसीएम लेकर भैंस खरीदने के लिए गोरखपुर गए थे। वहां से गुरुवार को 18 भैंस खरीद कर डीसीएम में लादकर बरेली जा रहे थे। हरदोई लखनऊ मार्ग पर थाना क्षेत्र कछौना के डबल नहर पुल के पास डीसीएम पुल के मोड़ पर अनियंत्रित होकर खाई में घुस गई और नहर में गिर गई, जिससे हनी पुत्र लाइक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाल राय सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने चार घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा जहां से उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। थाना कछौना क्षेत्र में बीती रात्रि एक डीसीएम पलट गई थी जिसमें खरीद के ले जा रही तीन भैंसों की मृत्यु हो गई। एक उसमें कटरा था उसकी भी डेथ हो गई और एक आदमी की भी मृत्यु हो गई है। वो नहर में गिर गई थी वो डीसीएम। उसमें पांच लोग घायल थे जिसमें चार सुरक्षित हैं, उनको निकाल लिया गया और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वो बरेली के रहने वाले थे और उधर ही जा रहे थे अपना जानवर खरीद करके। पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है और घायलों का इलाज कराया जा रहा है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।